धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपको ये टेस्टिमनीज दे सकूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। तो मेरी टेस्टिमनीज यूँ है कि मेरी बेटी है लिव्या 10 साल की। मई 12 तारीख को उसको फीवर हुआ। पहले एक दिन हमने सोचा नॉर्मल फीवर है, हमने उसको मेडिसिन दी और नॉर्मली ट्रीट कर रहे थे, और डे बाई डे उसका फीवर जो है 104 तक पहुँचा। तो फिर भी हम डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ठीक है फीवर है, ऐसा कुछ नहीं, आप ये मेडिसिन चलेंगी, वायरल फीवर चल रहा है दिल्ली में, तो आप पैनिक मत होए। सडनली चौथे दिन मेरी बेटी को कान से ब्लड आना शुरू हुआ। जब ब्लड आया तो उसने बोला पापा पेन है, फिर दूसरे कान में भी पेन शुरू हुआ। तो मैंने जी किसी ENT डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो संडे का दिन था, मैं अपनी बेटी को लेकर एक ENT डॉक्टर के पास गया। उन्होंने दूरबीन से चेक किया तो मेरी बेटी को वायरल फीवर के बाद जो इन्फेक्शन हुआ था, थ्रोटल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से मेरे बेटी के कान के दोनों पर्दे एयर ड्रम फट गए थे। तो जब डॉक्टर ने बताया तो मैं एकदम घबरा गया, मतलब क्योंकि मेरी बेटी को सुनने में प्रॉब्लम होने लगी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि यार ये ड्रम फट गए हैं और ऑपरेशन ही हो सकता है, हील होने के चांसेस कम हैं, तो होते नहीं हैं जनरली इतनी आसानी से। तो मैं घबरा गया, फिर भी मैंने सेकेंड ओपिनियन लेना मुनासिब समझा और मैं नेक्स्ट डे अपोलो हॉस्पिटल में भी मैंने एक अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर की। इसी बीच मैंने ब्रदर अनिल को फ़ोन किया, उन्होंने बोला बेटा भैया घबराओ मत, आपकी बेटी के कानों को कुछ नहीं होगा। भैया ने दुआ करी। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, सेम उस डॉक्टर ने भी नेक्स्ट डे यही बोला कि इन दोनों कान के पर्दे फटे हुए हैं और अभी कहना कुछ भी मुश्किल है। ऑल दो वो बहुत पुराना डॉक्टर था, 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस था उनके पास, पर उनका भी कुछ जवाब गोलमोल ही था, मतलब वो कुछ क्लियर नहीं थे। उन्होंने ये तो बोला कि हाँ देखो मैं भी कुछ कह नहीं सकता, हम दवाइयाँ दे दे। तो उसके बाद हम उसको घर ले आए, तो उसका जो पहले दिन जो सुनने की क्षमता थी वो 30% लेस हुई थी, सेकंड डे वो और 30% चली गई, हम और घबरा गए। तीसरा दिन ये हुआ था कि मेरी बेटी को सुनना ही बंद हो गया था, उसके बिल्कुल कान पर जाके हम उसे आवाज़ दे रहे थे, वो उसको सुनाई दे रहा था, वो भी सेंसेस नहीं आ रहे थे कि हम क्या वर्ड उसको बोल रहे हैं, उसके माइंड तक वो नहीं पहुंच पा रहा था तो कि हम बोल क्या रहे हैं, क्या वर्ड्स क्या हैं, मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको सुनना बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। फिर हमने उसका एक टेस्ट कराया जिसमें सेंसेस का पता चलता है, तो वो ऑलमोस्ट निल था, उसको कोई सेंसेस नहीं जा रहे थे, माइंड को भी सेंसेस जाते हैं कि हम क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। ये हम बिल्कुल घबरा गए कि अब क्या होगा, मुझे नहीं पता। घर में माहौल बिल्कुल बदल गया था, रोना धोना चल रहा था, पर मेरा विश्वास था कि अभी एक डॉक्टर जिसको दुआएं जा रही हैं वो डॉक्टर अभी जवाब देंगे। फिर ब्रदर ने बुलाया, एक बार आप बेटी से बात करो। ब्रदर ने कुछ वचन मेरी बेटी को बोले, जूम मीटिंग में ही भैया ने बात करी। आप यकीन करें मेरी बेटी, उसके बाद मैं 2 महीने अपनी बेटी से नहीं मिल पाया था ड्यू टू सम रीजंस। मैं इसलिए टेस्टिमनी थोड़ी लेट दे रहा हूँ, परमेश्वर का चमत्कार तो खैर उसके 3rd-4th day ही हो गया था, पर मैं नहीं मिल पा रहा था जब तक मैं खुद अपने से उस बेटी को ना उसके साथ होने की वजह से मैं खुद इस टेस्टिमनी को लेट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था, ऑब्जर्व करना चाह रहा था। अब मैं अपनी बेटी के साथ पिछले 10 दिन से हूँ। आप यकीन करेंगे परमेश्वर ने उसके कानों को ऐसी शक्ति दी कि जो डॉक्टर्स मना कर रहे थे कि नहीं होगा या ऑपरेशन होगा, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, मेडिसिन सिर्फ 3 से 4 दिन हमने दी है, मेरी बेटी वापस जैसे 12 मई से पहले सुनती थी वैसा ही सुनने लगी है, और अच्छा ही सुन रही है, क्लियर सुन रही है, वापस अपनी पढ़ाई पर आ गई है, वापस उसके एग्ज़ाम्स वगैरह दे रही हैं, पहले टर्म्स के एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ये मिरेकल था मेरे लिए, ये मेरी लाइफ का एक मिरेकल था।